क्रंची क्रंची क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना चिप्स, इस तरह का चिप्स आपको भी बनाना है तो जो मैंने वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है उसी को फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। नमस्ते, स्वागत है आपका अन्नपूर्णेश्वर पाकशाला में। आज हम जानेंगे बनाना चिप्स बनाने का तरीका, बहुत ही इजी है तो मेथड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो कच्चे केले लिए हैं, तो ये बिल्कुल फ्रेश है, मतलब कच्चे केले लाकर आप 4-5 दिन मत रखिएगा, वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है, इसके अंदर मैंने एक छोटा सा चम्मच हल्दी और 2 टी स्पून जितना नमक डाला है, तो उसे साइड में रख लिया। अभी मैं कट करूँगी ये बनाना। तो इसे कट करने का भी एक ट्रिक है दोस्तों, ये ऊपर का छिलका है ना, इसे हम लंबा चीरा मार लेंगे। तो इस तरह से आपको चीरा मार लेना है, पूरा अंदर तक मत कट करिएगा, तो छिलका है ना उसी को थोड़ा सा हमें चीरा मार लेना है। तो देखिए आराम से निकल रहा है ना छिलका, तो इसी तरह से हमें इसके ऊपर का छिलका निकाल कर चिप्स बनाना है। तो आप जितने भी बनाना लेके आए हैं उसे इस तरह से कट करके पानी में डालकर रख दीजिएगा, 10 से 15 मिनट हमें रख देना है। तो देखिए आराम से निकल गया है, तो बिल्कुल टाइट है ये, मतलब बिल्कुल कच्चा है, फ्रेश बनाना का ही यूज़ कीजिएगा, पका नहीं। तो दूसरे को भी इसी तरह से हम कट कर लेंगे, कुछ नहीं दोस्तों, चीरा लगाना है बस, आराम से निकल जाएगा। मतलब ये थोड़ा सा बनाना स्टिकी होता है तो हाथ थोड़े चिपके चिपके हो जाएंगे, तो हाथ अच्छे से धो लीजिएगा आप। तो इसके अंदर, इसके पानी के अंदर हमने ढक दिया, 10 से 15 मिनट इसे ही रख देंगे। तो इसे हम 15 मिनट के बाद, जो आप देख रहे हैं ना स्क्रीन पर, इस नारियल का छिलका लिया है मैंने, नारियल का छिलका लेकर, ये 15 मिनट हो चुके हैं, तो नारियल के छिलके से हमें इसे अच्छे से पॉलिशिंग करना है, जो हल्दी वगैरह इसके ऊपर चढ़ चुका है तो इसे पॉलिशिंग करेंगे ना तो कलर भी अच्छा आएगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। तो हल्दी डालने का रीज़न यही है ताकि इसके ऊपर कलर चढ़ जाए अच्छे से, तो चिप्स देखने में अच्छे लगेंगे। तो इसी तरह से इसको पॉलिश करना है, देखिए अगर आपके पास ये नारियल का छिलका नहीं है तो एक अच्छा सा साफ सुथरा कॉटन का कपड़ा लीजिए, उससे अच्छे से आप पॉलिश कीजिएगा, जो हल्दी सब चढ़ा है ना वो निकल जाएगा तो अच्छा लगेगा। तो इसे हम चिप्स बनाने के मोल्ड से कट कर लेंगे। तो आपको मोटा, अभी मोटा साइज चाहिए तो आप नाइफ से भी कट कर सकते हैं, तो ये थोड़े से पतले हुए हैं तो मोटे साइज में कट करेंगे तो अच्छा ही है, क्योंकि चिप्स को फ्राई करने के बाद वो थोड़े से शेप में पतले हो जाते हैं, तो मोटे रहेंगे ना तो देखने में भी अच्छे रहेंगे। तो ऑयल जो है फ्राई हो, अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें मैंने डाल दिया है, तो इसी तरह से आपको एक एक करके डाल देना है चिप्स को। तो ये देखिए अभी ये फ्राई हो चुके हैं, आधा फ्राई हो चुके हैं। तो अभी मैंने जो पानी दिखाया है आपको उसके अंदर मैंने काला नमक डाला है 1 टीस्पून, उस पानी को इसे, अभी ये बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं दोस्तों, तो इसके ऊपर नमक चलाना है, तो आपको तेल के अंदर 1 चम्मच ऑयल डालना है। तो ऐसे करने से नमक ऊपर जो चिप्स है उसके ऊपर चढ़ जाएगा और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगेंगे ये चिप्स। तो इस तरह से आप बना के रख दीजिएगा डब्बे में भरकर, तो महीनों आप इसे रख कर खा सकते हैं, खराब नहीं होंगे। तो ये फ्राई हो चुके हैं, तो दूसरे तरह, दूसरे जो भी चिप्स हैं बनाने के उसे भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे हम। तो हो चुके हैं बनाना चिप्स, मैंने फ्राई कर दिया, तो सेम इसी तरह से आप बनाइएगा और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और तो देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं, तो वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई तो शेयर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।